नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सब अच्छा है। आप सुनाओ। सर, मैंने अभी आपका रिसेंटली एक वीडियो देखा था जिसमें आपने कुछ बच्चों के साथ पेंट कर रहे थे आप, और आप बता रहे थे कि वो डिस्टेंपर आपने घर पे बनाया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी जी। तो सर, ये डिस्टेंपर घर पे कैसे बनाया आपने, थोड़ा सा हमें भी बताइए, हमारे दर्शकों को भी पता चले कि डिस्टेंपर क्या घर पे बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। ये डिस्टेंपर का बेसिकली, पहले जिन लोगों को मतलब नहीं पता, मैं उसका मतलब बता दूँ। डिस्टेंपर का मतलब ये होता है कि वाटर बेस्ड सॉल्युबल पेंट, पानी में घुल के जो हम दीवार पे लगा पाएँ, ऐसा पेंट। तो जैसे अपने घर में हम दीवारों को पेंट करना चाहते हैं, इंटीरियर वॉल्स को पेंट करना चाहते हैं, तो हम ये वाला पेंट अपने घर में खुद बना सकते हैं। नॉर्मली ये जो बाज़ार में डिस्टेंपर मिलता है, जैसे ये कंपनियाँ होती हैं, जैसे एशियन, नैरोलैक और इन सब कंपनियों के जो डिस्टेंपर्स होते हैं, इनकी कॉस्ट करीबन 750 से लेकर 1000 रुपये तक की एक बाल्टी होती है। जो 5 लीटर की, 10 लीटर, 10 लीटर, 10 लीटर की बाल्टी जो है 750, 800, 900, जितने भी, मतलब जितने, हाँ मतलब डिपेंड करता है। इसमें और अच्छी प्रीमियम क्वालिटीज़ भी होती हैं, ट्रैक्टर डिस्टेंपर वगैरह, इस तरह कई तरह की क्वालिटीज़ होती हैं। तो मिनिमम जो है वो 700 से स्टार्ट हो जाता है। तो ये अगर हम घर पे बनाएंगे तो ये 250, 300 रुपये में ये 10 लीटर की बाल्टी घर में बन सकती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो हम बनाएंगे ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा, और इसमें नॉन टॉक्सिक मटेरियल यूज़ हुआ होगा, ग्रीन टेक्नोलॉजी होगी, कार्बन रिडक्शन टेक्नोलॉजी होगी, कि मतलब ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ के आपकी दीवारों को सख्त और अच्छा बनाएगा, उनको मजबूत बनाएगा। तो इस तरह की इसके बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स होंगी, फीचर्स होंगे, इस तरह बनेगा ये। जी, तो आप थोड़ा सा हमें डिटेल में बताएं कि एक तो जो भी चीज़ आप बनाना बताएं, थोड़ा सा सावधानियां भी उसमें बताएं, ताकि लोग जो घर पे ट्राई करें तो किस किस तरह की सावधानियां रहनी चाहिए। और उससे पहले आप इसका कैसे बनाया, आपने प्रोसीजर क्या था, कितना इन्ग्रेडिएंट लिया, कैसे किया, वो थोड़ा सा विस्तार में। हाँ, सो ये जो हमने डिस्टेंपर बनाया था, ये जो पेंट बनाया था, ये चूने के साथ बनाया था हमने, लाइम बेस्ड, हाइड्रेटेड लाइम जिसको कहते हैं, जो बाज़ार में मिलता है दो रूपों में। हमारे यहाँ जो ये एरिया है, यहाँ पे दो रूप में मिलता है, या तो ये पत्थरों के रूप में मिलता है, मोटे मोटे जो होते हैं बोल्डर्स, उस टाइप में मिलता है, या इसको पाउडर्ड फॉर्म में मिलता है। ज़्यादातर आज की डेट में 95% ये पाउडर्ड फॉर्म में मिल रहा है। तो कई साल ज़्यादातर पहले जो होता था वो, जिसको हम पंजाबी में कली कहते हैं या जो सफ़ेदी कहते हैं, वो हमारे को ज़्यादातर पहले पत्थर के रूप में मिलता था। और जो सफ़ेदी करने वाला जो होते थे, जो पेंटर्स होते थे, वो एक दिन पहले आके इसको भिगोते थे, लोहे के ड्रम में भिगोते थे, क्योंकि इसमें जो काफ़ी हीट निकलती है और पानी उबलना शुरू हो जाता है, गर्म हो जाता है, और फिर उसको वो शांत हो जाता है, फिर उसको हम पेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कोई नई चीज़ नहीं है, ये ऑलरेडी हमारे प्रैक्टिस में है, लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आज की डेट में जो पेंट इंडस्ट्री है, जो नई तरह की कंपनियां हैं, उन्होंने हमारा ब्रेन वॉश कर दिया और ऐसे पेंट बनाने शुरू कर दिए जिनमें हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, एलर्जीज और पता नहीं क्या क्या हमारे को प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। वो अपना एनवायरनमेंट भी जिसमें हम ख़राब कर रहे हैं, हाईली वॉलेटाइल मटीरियल यूज़ करके, जो धीरे धीरे डिके होता रहता है, उड़ता रहता है, वो वाले मटीरियल से हम आजकल पेंट बना रहे हैं। वो देखने में तो सुंदर होता है लेकिन एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होता है। सो आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो चूना का है। और चूना ही क्यों बेस्ट है बिल्डिंग मटेरियल, उसका मेन कारण क्या है कि चूना जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को खुद ही एब्जॉर्ब करता है और धीरे धीरे उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब में कन्वर्ट हो जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट का क्या मतलब है, जो जिस चीज़ से हमारा ताजमहल बना हुआ है, मार्बल जिसको कहते हैं, ये उसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। तो इसको कार्बन रिडक्शन टेक्निक कहते हैं, एटमोस्फेरिक कार्बन रिडक्शन टेक्निक कहते हैं। जो गंदा धुआं हमारी कारों से निकलता है या कुछ जलाने से निकलता है, उस कार्बन को ये एब्जॉर्ब करके क्या है, ये और हमारी स्ट्रेंथ देता है। तो इसलिए चूना इज़ बेस्ट मटेरियल फॉर मेकिंग पेंट्स, नंबर वन। नंबर टू, हमारे को पेंट बनाने के लिए बेसिकली तीन चीज़ें चाहिए। एक चाहिए कि हमारे को कलर, एक चाहिए हमारे को जिससे हमारा वो बेस बन जाए, स्ट्रॉन्ग बेस बन जाए, और एक जो बाइंडिंग, जो इनको जोड़ दे, बाइंडिंग या सीमेंटिंग मटेरियल। तो बाइंडिंग और सीमेंटिंग मटेरियल हमारा जो होगा वो चूना ही होगा। इनफैक्ट आप ध्यान से पढ़ोगे इंटरनेट पे तो बहुत सारे पेंट लाइम बेस्ड ही होते हैं।
और जो हमारा सीमेंट है जो बाज़ार में हम जो पोर्टलैंड सीमेंट लेते हैं उसमें भी चूना ही पड़ा होता है। तो ये क्या कहते हैं, चूना लेंगे हम लोग, मान लीजिए आपने 10 लीटर की लेनी है, बाल्टी बनानी है, तो आप 10 किलो चूना लोगे, उसमें 10 लीटर पानी डालोगे और 2 से लेकर 3 पैकेट मतलब 3 किलो चाक मिट्टी डालेंगे। अब चाक मिट्टी का क्या मतलब है, चाक मिट्टी फिर मैं वही जाऊंगा जिस चीज़ से ताजमहल बना हुआ है, मार्बल बना हुआ है, और मार्बल को उन्होंने बिल्कुल ग्राइंड करके बिल्कुल छोटा छोटा नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके पाउडर फॉर्म में ही आज की डेट में जो चाक मिट्टी है वो मिल रही है। एक चाक मिट्टी ले ली हमने, एक चूना ले लिया और एक हमने उसमें ले लिया अब लिक्विड बाइंडर। तो लिक्विड बाइंडर में हमारे पास एक ऑप्शन है सिंथेटिक, एक ऑप्शन है सिंथेटिक और एक ऑप्शन है नेचुरल। सिंथेटिक में हम सिंपली बाज़ार से DDL नाम का एक फेविकोल ला सकते हैं और उसको 1 किलो चाहिए सिर्फ, मतलब 1 किलो DDL जो है वो 60-70 रुपये का आता है, चौक मिट्टी 10 रुपये किलो आती है, तो 3 किलो वो मिट्टी चाहिए हमारे को, तो 100 रुपये की ये हो गई, 10 किलो जो चूना है वो भी करीबन 100 रुपये का आएगा, तो 200 रुपये में आपका ये तैयार हो जाएगा अगर सिंथेटिक DDL हम इस्तेमाल करते हैं, फेविकोल यूज़ करते हैं। अगर ये नहीं यूज़ करना, सिंथेटिक DDL नहीं यूज़ करना, तो आप जो घर में आप आटा जिससे आप या मैदा जिससे आप रोटी बनाते हो या खाते हो, उस चीज़ से भी जो है आप फेविकोल बना सकते हो, उसको नेचुरल फेविकोल या नेचुरल ग्लू कहेंगे हम। उसको सिंपली आपने गर्म पानी लेना है, बीच में आटा डाल देना है, कोशिश करें मैदा डाल दें, उसको फाइन किया हुआ उसको साथ में स्टर करते रहना है बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल लिक्विड सा, बिल्कुल वो ऐसे लगेगा जैसे हम स्कूल में गम नहीं यूज़ करते थे, उस तरह की उसकी शक्ल बन जाएगी। उसको अगर आप डालें चूने के अंदर जिसको आपने एक दिन पहले भिगोया था 10 लीटर पानी में, साथ में 3 किलो चाक मिट्टी में, और उसको मिक्स करेंगे, तो सिंपली ये आपका डिस्टेंपर तैयार है। अगर अब इसमें आपने रह गया कलर, तो कलर आपको लाइम बेस्ड बाज़ार में मिल जाएंगे। कलर हमारे 2 तरह के होते हैं, कलर होते हैं हमारे, एक तो ऑर्गेनिक मटीरियल से आते हैं, बायोलॉजिकल मटीरियल से आते हैं, जैसे चकुंदर, बीट रूट, उसका जो रेड कलर है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, उसके पाउडर को या उसको रेड कलर में बॉयल करके उसका कलर हम यूज़ कर सकते हैं एज अ डाई। ये जो कलर्स होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल से आते हैं, ये इतने जो है वो उनके ऊपर सनलाइट जब पड़ती है या वेदरिंग प्रोसेस होता है तो ये जल्दी फेड हो जाते हैं। हम मेथी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं रंग के लिए, और एक हमारे घर में और चीज़ होती है नील, है ना, जिसको इंडिगो कहते हैं, तो नील को भी इस्तेमाल किया जाता था रंग करने के लिए। तो ये कलर्स हमारे 4-5 डाई से या नेचुरल चीज़ें जो हमारे घर में पड़ी हैं उससे हम कर सकते हैं, फैब्रिक वाला जो नील होता है वो वाले उससे। इसके अलावा हम लोग मुल्तानी मिट्टी का जो कलर होता है ऑफ वाइट सा या ब्राउन सा कलर होता है, मुल्तानी मिट्टी को चौक मिट्टी की जगह डाल सकते हैं, और सेम प्रोसीजर 3 किलो चाक मिट्टी और मुल्तानी मिट्टी, साथ में वही जो मैंने बताया कि इसको वीट पेस्ट कहते हैं, मतलब जो हमारी जो ये हमने गम बनाई है, जो फेविकोल बनाया है नेचुरल, और चूना 10 किलो, उससे सेम ये चीज़ें, 3 चीज़ों से हम वो बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे देश में, हमारा देश बहुत बड़ा है, जगह जगह पे अलग अलग तरह की क्लेज मिलती हैं, जैसे माइका नाम की भी एक क्ले मिलती है, उसको भी हम, माइका भी एक नेचुरल मिनरल है, उसको भी क्ले में ऐड करके उसके भी कलर को हार्वेस्ट किया जा सकता है और कई तरह के किया जा सकता है। और नहीं तो आप अपने घर के आसपास जो मिट्टी है, अगर मिट्टी को जो है उसको क्ले में अगर बहुत सीव करके क्ले में कन्वर्ट करके उसको यूज़ करें तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो एक हमारा पेंट बन जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई स्पेशल पर्पस डिस्टेंपर बनाना चाहते हो तो उसका भी हम आज डिस्कशन करेंगे। पहले आपको अरुण जी लगता है कि जो मैंने अभी बताया है कि ये ठीक है और आपको दर्शकों को समझ आ गया होगा, आपकी वीडियोस देखी हैं उसमें तो जो जिस तरीके से आपने बनाया था और जो बच्चों के जरिए करवा रहे थे आप, बड़ी अच्छी वीडियो बन पड़ी थी वो। हाँ। और मैं आपसे दरख्वास्त भी करूंगा कि जो वीडियो हम बना रहे हैं इसके कमेंट सेक्शन में आप वो वीडियोस को अपलोड भी करें, ताकि जो हमारे देखने सुनने वाले हैं वो वीडियोस को देख भी पाएं कि आपने किस तरह से वो कम पैसों में बनाया, तो आप उसको बच्चों को दे सके खेलने के लिए। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, कोई टॉक्सिक नहीं है उसके साथ, बच्चे कुछ भी किसी भी तरह के, वो एक तरह का वाटर बेस्ड पेंट है
जी जी जी, है ना। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मैं सभी सुनने वालों को देखने वालों को ये कहना चाहूँगा, इन्होंने ये उठाया था कि इन्होंने बच्चों को कलर दे दिया और वो चार बच्चे जिनको इन्होंने खुशी दी वो देखने वाली थी, किस खुशी के साथ उन्होंने पेंट किया था और ऐसा पेंट जो उनकी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाए तो ज़्यादा नुकसान की बात नहीं है। तो बहुत बढ़िया था वो वीडियो, तो आप ज़रूर अपलोड करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये जानने लायक बात हम सबके लिए। आप आगे बताइए कि जो आप स्पेशल पर्पज़ हमें, स्पेशल पर्पज़ डिस्टेम्पर की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जैसे हमारी फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज होती हैं, फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारा जो ऑर्गेनिक मटीरियल आता है, जैसे जो फैक्ट्री है जिसमें जूस बन रहा है या अचार बन रहे हैं या जिन फैक्ट्रियों में फूड प्रोसेसिंग हो रही है या कुछ हो रहा है, तो उन फैक्ट्रीज़ की एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, हमारी किचन्स में भी ये प्रॉब्लम होती है, डैम्पनेस। और डैम्पनेस के कारण उनकी दीवारों पे हल्की फुल्की फफूंदी आ जाती है, बहुत हल्की फुल्की जो फंगस है वो आ जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके यहाँ आपका बेसमेंट है घर में, तो अगर आप चाहते हो कि आपका घर में बेसमेंट है और उसमें बहुत सारी डैम्पनेस आती है और बीच में फंगस लग जाती है और ऐसा एरिया आपके घर में, तो उसके लिए थोड़ी सी हम इस रेसिपी को बदल सकते हैं। उस रेसिपी में हम सिंपली क्या करेंगे, एक बायोचार नाम की एक चीज़ आती है, हम उस जो हमने जो क्ले यूज़ करी थी, जो हमने क्ले यूज़ करी थी 3 किलो क्ले यूज़ करी थी, उस क्ले की जगह हम इस बायोचार को यूज़ कर सकते हैं 3 किलो। तो फॉर्मूला सेम है, वही चूना लेना है आपने 10 किलो और 3 किलो बायोचार लेना है, 3 किलो और 1 किलो आपने जो वीट पेंट बनाया है या फेविकोल लेना है उससे, ये सेम प्रोसेस से आप इसको कर सकते हैं। और ये भी इको फ्रेंडली है, ये भी ये इतना अच्छा है कि बायोचार बेसिकली क्या है, बायोचार फाइनली ग्रेन्ड एक तरह का चारकोल है, एक ऐसा चारकोल जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बनाया गया है और ये वेस्ट मटेरियल से बन सकता है, गली सड़ी लकड़ों जो बर्बाद हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं, इवन कपड़े स्वेटर किसी चीज़ से भी वो बन सकता है, और हमारे ह्यूमन जो वेस्ट है STP में जो पड़ा हुआ है उस ह्यूमन वेस्ट से भी वो बन सकता है। हमने एब्सेंस ऑफ एयर में उसको बर्न करना है और बर्न करके उसका जो मटेरियल आएगा उसको हम यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो घर में RO लगा हुआ है उसके अंदर भी एक्टिवेटेड चारकोल है, एक्टिवेटेड कार्बन है, ये बिल्कुल सेम वही मटेरियल है, उसी तरह का सेम मटेरियल है। इसी मटेरियल के साथ हम अगर अपना घर को पेंट करेंगे, बेस बनाएंगे, तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जितना बैक्टीरिया फंगस है वो लग नहीं पाएगा और वो अपने आप अब्सॉर्ब हो जाएगा, और आसपास का जो पोल्यूशन है वो भी ये जो दीवारें हैं अब्सॉर्ब करेंगी, और जो आपका ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है वो बड़ा ब्रीदेबल होगा और खुशबूदार होगा। मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर रहे हो तो भी बहुत ब्रीदेबल होगा, आप नॉर्मल कोई और क्ले यूज़ कर रहे हो तो बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार होगा। गर्मियों में उसके ऊपर पानी गिर के देखो, हाँ हाँ क्या सुगंध आती है, क्या मज़ा आ जाता है जी। तो बहुत बढ़िया तरीके से सर आपने हमें बताया, लेकिन अब इसको थोड़ा सा हम ये कहेंगे कि सपोर्ट हमें वीडियो के रूप में भी चाहिए, हम कुछ प्रैक्टिकल भी करके देखें तो और भी ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिकल रहेगा। प्रैक्टिकल उस वीडियो में है थोड़ा सा। जी जी, तो आपने जो हमें चूना बताया तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि जो सुनने वाले और देखने वाले हैं उनको थोड़ा सावधानियाँ भी बताएं आप कि आपने क्या क्या सावधानियाँ ली, जैसे चूने में पानी मिलाया जाता तो वो। हाँ, जो चूना जो है जब शुरू में जो सावधानियाँ हैं, जो सबसे ज़्यादा सावधानियाँ हैं वो चूने के साथ ही हैं, हाथ में ग्लव्स पहने और एक ध्यान रखें जब चूना डालेंगे तो वो गर्म होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, तो वो जब गर्म होगा उबलेगा उस टाइम ज़रा ध्यान रखें, हाथ जलने का डर है, उसका डर है उस टाइम, बस जब वो शांत हो जाएगा ठंडा हो जाएगा तब उसके साथ आप कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर ऑल वो चूना है, डायरेक्टली हाथ को कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हमारे हाथ को काटना शुरू हो सकता है, और इसकी जब डायल्यूटेड फॉर्म होती है वो इतनी हार्मफुल नहीं है। तो बस बेसिकली प्रिकॉशन यही है कि आपने हाथ में ग्लव्स यूज़ करके और सिर पे अपने ढक के उसको यूज़ करना है, और इनफैक्ट अगर आप किसी को एम्प्लॉय भी कर रहे हैं पेंट करने के लिए उसकी सेहत के लिए भी ये कोई हार्मफुल नहीं है। ओपन में बनाएं, बंद कमरे में ना बनाएं, बस यही मेन है। शेडो में बनाएं, सनलाइट में नहीं बनाना, नॉर्मल घर में जैसे एक कमरा होता है उसमें बनाएं। जी, आपने हमें बहुत ही भरपूर जानकारी दी इस बारे में, आपसे आज के दिन बात करके बहुत मज़ा आया और बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने हमें बुलाया।